नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओपन, क्लोज और शॉर्ट सर्किट में मुख्य अंतर जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसका मोड ऑल पर क्लिक करके रखिए इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। विद्युत धारा का बंद व पूर्ण मार्ग इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है, ठीक है। जैसे सप्लाई सोर्स से फेज वायर के होते हुए लोड के द्वारा जब यह न्यूट्रल से रिटर्न होते हुए उसी सोर्स पर पहुंच जाता है तो वह इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट में क्या होता है, जब सर्किट की कोई भी वायर जैसे फेज या न्यूट्रल, ठीक है, लोड की वायर टूट जाती है या स्विच ऑफ रहता है और जो लोड है वह काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे वायर निकल गया है तो हमारा लोड काम नहीं कर रहा है, स्विच ऑन है फिर भी काम नहीं करता हुआ, क्या कहलाती है, ओपन सर्किट कहलाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारा क्लोज सर्किट, ठीक है। तो क्लोज सर्किट में जब स्विच ऑन करने पर कंडक्टर द्वारा करंट प्रवाह करने पर उसमें लगा हुआ लोड काम करने लग जाएगा, ठीक है, तो वह क्या कहलाती है कि क्लोज सर्किट कहलाती है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो यह ऑपरेट हो जाएगा, तो यह क्या है, तो यह एक क्लोज सर्किट है। इसमें स्विच ऑन कंडीशन पर रहता है, जो लोड लगा हुआ कोई भी हो, चाहे इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड या रेजिस्टिव लोड, वह क्या करेगा कि जो उसका एक वर्क होता हुआ प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फेज वायर से जो करंट है हमारा वह आता है न्यूट्रल के द्वारा रिटर्न हो जाता है, क्लोज सर्किट। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारा शॉर्ट सर्किट। जब फेज वायर है वह न्यूट्रल वायर बिना लोड या रेजिस्टेंस, जैसे लोड है तो एक रेजिस्टेंस है तो उसको उसमें से ना होकर के डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज आपस में जब जुड़ जाता है या कनेक्ट हो जाते हैं गलती से, तो उस सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट या लघु सर्किट कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट उत्पन्न होती है उस सर्किट में, तो उसमें लगा हुआ जो फ्यूज होता है वो गल के टूट जाता है, और या फिर जो MCB अगर लगी हुई है तो वह क्या होगी कि ट्रिप हो जाती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर करंट पैदा होती है, तो इसे को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए दोस्तों हम घरों में एक निर्धारित मान का फ्यूज लगा सकते हैं या एक सही रेटिंग का जो होता है कि MCB घरों के फेज वायर में लगाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जब अगर गलती से भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की कंडीशन होगा तो वह हमको इन दो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन दे सके।